मैथ नेगेटिव का तीसरा पैटर्न, ठीक है। पहला कौन सा था? जब हेल्पिंग वर्ब दी हो। दूसरा कौन सा था? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। और तीसरा कौन सा है? जब वाक्य में डू डज डिड पहले से दिए हो। दूसरे में हमने देखा था कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है तो हम देखते हैं और टेंस के अनुसार उसमें डू डज या फिर डिड लगाते हैं और उसके बाद नॉट लिखते हैं। अब देखिए, अगर पहले से डू डज डिड दिया हो तो क्या करेंगे? सिंपल सा नियम है कि आपको डू डज डिड के बाद में आपको देखना ही नहीं है कि डू दिया है कि डज दिया है कि डिड दिया है। आपको तो सिर्फ क्या करना है कि इसके तुरंत बाद आपको लिख देना है नॉट डू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल नियम है। 12th क्लास में ये ज़्यादातर आता है और 10th में भी आता है। आई डू माई वर्क डेली। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? अभी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और जब हम उसको नेगेटिव में बदल देते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो इसलिए हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी डू लिखना रहता है, ठीक है। अब आप बताइए इसका क्या होगा? नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू, क्या करेंगे? फिर आई डू नॉट डू, क्या हुआ? आई डू नॉट डू माय वर्क। क्यों हुआ? क्योंकि यह बन गया हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर हमको पहले ही मालूम है कि जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब ये देखिए, He does his work, तो आप क्या करेंगे? He does के बाद, does के बाद क्या करेंगे? Not नहीं, not do, सिर्फ not नहीं लगाना है, आपको लगाना है not do। तो ये क्या हो गया सेंटेंस? He does not do his work neatly। अब की बार आ गया है यहाँ पर क्या? डिड। लेकिन लगाना क्या है आपको? क्या लगाना है? और डिड की जगह पर डिड ही रहेगा। जो भी दिया है, डू था तो डू ही लिखा, डस था तो डस लिखा, डिड है तो डिड लिखेंगे। इसका क्या होगा? दे, क्या होगा? दे हो गया। इसका आंसर आई डू नॉट डू माय वर्क डेली। ये क्या हो गया? ही डज हिज वर्क था तो क्या हुआ? ही डज नॉट डू हिज वर्क। डिड था तो क्या बना दिया? डिड नॉट डू। डज था, सिर्फ डज था तो डज नॉट डू। डू था तो डू नॉट, ठीक है। तो डू नॉट का तो डू का डू ही रहा और नॉट डू लगा, यहां पर भी नॉट डू और ये और डिड की जगह डिड था, ठीक है। आगे समझ में आपको सिर्फ क्या लगाना है? नॉट। नेगेटिव का सेकंड पैटर्न में है कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, यानी आप सेंटेंस में देख रहे हैं इज, देम, आर, वाज, वर, आपको कुछ नहीं मिल रहा। यदि मिलता तो आप उसमें क्या लगा देते? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है तब हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। उसके लिए कौन सा टेंस है कैसे पता पड़ेगा? हम उसकी देखते हैं वर्ब। यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो आप नेगेटिव बनाते समय डू नॉट लिखेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो थी इसलिए फिर भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी आपको सिर्फ डू नॉट। यदि वर्ब में एसईएस लगा है मतलब तब भी टेंस तो प्रेजेंट का ही रहेगा, लेकिन वर्ब में यदि एसईएस लगा है कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एसईएस लगाते हैं। तो यदि वर्ब में एसईएस लगा है
तब आप क्या करेंगे, does not लिखेंगे, साथ ही जो वर्ब में s es लगा था उसको हटा देंगे और उसकी जगह वर्ब को फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ऐसे ही जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम किस में लेते हैं, सिंपल पास्ट में, ठीक। तो जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो तब आप क्या करेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट का टेंस, पास्ट टेंस का है ये सेंटेंस, तो डिड नॉट लिखेंगे। लेकिन फिर जो आपकी वर्ब थी उसको आप सेकेंड फॉर्म में नहीं रहने देंगे, उसको आप क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में। अब पहला सेंटेंस लिखिए, आई प्ले क्रिकेट, कौन सा नियम लग रहा है इसमें, कैसा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ना तो इसमें एस ई एस लगा है और ना ही ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखना है आपको, आई डू नॉट, डू नॉट आपने ऐड किया और ये प्ले वही रहेगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब है ही प्लेज क्रिकेट, कौन सा नियम लगेगा, सेकेंड वर्ब, क्योंकि इसमें आ गया है वर्ब प्लस एस ई एस, आपको क्या ध्यान रखना है ही। अब क्या होगा, ये डू होगा या डस, अब ये हो गया डस नॉट, लेकिन इसका आप ये एस हटा देंगे, आपको ये एस हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही डस नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए थर्ड, वी प्लेड क्रिकेट, अब हमको फिर वर्ब देखनी है, क्या है वर्ब इसमें, वर्ब कौन सी है, कौन सा फॉर्म है, थर्ड भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, फर्स्ट तो नहीं है ना, तो देखिए ये कौन सा नियम लगेगा, थर्ड वाला, तो आपको क्या लिखना है, ये हो गया अब क्या आएगा, क्या आएगा, अब लिखेंगे हम डिड नॉट, वी डिड नॉट, लेकिन आपने क्या कर दिया इसका, ये ईडी हटा दिया, हटा दिया मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म ही, और फर्स्ट फॉर्म में ईडी नहीं आता है। कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से थर्ड करते समय सिर्फ ईडी लग जाता है, सिंपल होती है, जैसे वर्क का वर्कड है, प्ले का प्लेड है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी आएंगी हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे जिसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें तो सिंपल है, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब शी सिंग्स अ सॉन्ग, कौन सा नियम लगेगा, एक दो तीन में से सेकेंड, कैसे पहचाना, क्योंकि आपके वर्ब में एस आ गया, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम लिखेंगे शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये दो अलग प्रकार के हैं, आपने भी देख लिया था नेट, जो है ना ये वाला सेंटेंस देखा था, ईडी था इसे सेकेंड फॉर्म, ही ब्रॉट बुक्स, ब्रॉट आप ये वर्ब याद करते हैं क्या कभी, जो है ना, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा ये किस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है इसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट, हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है मतलब ये सिंपल पास्ट, और इसमें हम क्या लिखेंगे, कौन सा आ गया ये थर्ड, ही क्या लग जाएगा, ही डिड नॉट, ये ब्रॉड का फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रिंग, ब्रिंग, ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे ब्रॉड की जगह पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग, ब्रिंग बुक्स, ये इसलिए लिया मैंने एग्जाम्पल की, ये ब्रॉट और बॉट लगभग मिलते से हैं, है ना, आपको आर अगर ध्यान नहीं दिया आपने तो गड़बड़ भी हो सकती है, ये ब्रॉट है और ये बॉट है। अब बॉट से क्या बनता है, बॉट को किसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, बॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है बाय, तो अब क्या हो जाएगा इसका,
इसका नेगेटिव क्या होगा? She a फिर did not buy buy खरीदा buy क्या जाएगा ठीक है तो ये नेगेटिव बनाने का कौन सा नियम हुआ सेकेंड नियम जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो इनके कुछ और पैटर्न हम अगले एग्जाम्पल